सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड की राजधानी रांची में स्थित ITI बस स्टैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रांची के ITI बस स्टैंड। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची से कई सारे बस लंबी दूरियों के लिए खुलते हैं। रांची में कई सारे सुंदर और अच्छे बस स्टैंड्स भी हैं। इन्हीं में से एक बस स्टैंड है रांची के पिस्का मोड़ स्थित ITI बस स्टैंड। ITI बस स्टैंड की दूरी रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 8.5 किलोमीटर, रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लगभग 13 किलोमीटर है। सर्वेश्वरी नगर पहाड़ टोली रांची में स्थित ITI बस स्टैंड से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 गुजरती है। रांची ITI बस स्टैंड से कई महत्वपूर्ण शहरों गुमला, डुमरी, कोनवीर, अंबिकापुर, महेंद्रगढ़, रायपुर, जसपुर, विलासपुर, डाल्टनगंज, रायगढ़, हंटरगंज, चंदवा, चतरा और भवनाथपुर के लिए रेगुलर बस सेवा उपलब्ध है। ITI बस स्टैंड से रांची के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए सिटी बस तथा ऑटो का परिचालन होता है। ITI बस स्टैंड से थोड़ी दूर पर ही यात्रियों के लिए कई सारे होटल्स और रेस्ट रूम्स भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर बेहतर शौचालय और स्नानागार भी उपलब्ध हैं। इस बस स्टैंड के आसपास के लोग काफ़ी मिलनसार और मदद करने वाले हैं। ITI बस स्टैंड को और भी बेहतरीन बनाने की कवायद राज्य सरकार के द्वारा जारी है। तो दोस्तों, रांची के ITI बस स्टैंड की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर ले ताकि चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जहां मैं संजीव रहूंगा मौजूद एक बेहद ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।